हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेएबल या रिसीवेबल फ्रेट रेट के लिए रेट लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं ये सीखेंगे। रेट लिस्ट बनाने के लिए आपको मास्टर्स मेन्यू में बिल रेट पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। रेट लिस्ट बनाना तब जरूरी है जब आप पेएबल या रिसीवेबल रेट पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हों। जैसे कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके स्टाफ में जो लोग लोडिंग डिटेल्स और अनलोडिंग डिटेल्स की एंट्री कर रहे हैं उन्हें रिसीवेबल या फिर पेएबल रेट्स का पता चले, या फिर अगर आपको लगता है कि लोडिंग और अनलोडिंग डिटेल्स में रेट मेंशन करने में अगर कोई गलती हुई तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको सारे ट्रिप्स ओपन करके उनके रेट्स चेंज करने पड़ेंगे। इस स्क्रीन में एंट्री करना काफ़ी आसान है, पर इस स्क्रीन में दिए गए ऑप्शन से सॉफ्टवेयर रेट्स कैसे सर्च करेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि अलग अलग पार्टीज, प्रोडक्ट या व्हीकल ग्रुप्स के लिए आपको मैक्सिमम कितने रेट लिस्ट बनाने पड़ेंगे, और जब बिल या फ्रेट स्टेटमेंट बनेगा तो सॉफ्टवेयर कौन सा रेट शो करेगा। सबसे पहले हम इस स्क्रीन से रेट लिस्ट कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर रेट सर्च करने के लिए किस तरह काम करता है। इस स्क्रीन में ज़्यादातर ऑप्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, पार्टी नेम ऑप्शनल है। अगर आप सेम लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशंस पर एक से ज़्यादा पार्टीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन करते हो और उन सब के रेट्स अलग अलग हैं, तो आप यहाँ पर उस पार्टी का नाम मेंशन कर सकते हो जिसके लिए आप ये रेट लिस्ट बना रहे हैं और जिसे आप बिल बनाते वक्त बिलिंग पार्टी में मेंशन करोगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जिस रेट लिस्ट की मैं एंट्री कर रही हूँ उसके लिए मुझे पार्टी नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में एक ड्रॉपडाउन दिया गया है। रेट लिस्ट के लिए अगर लोडिंग स्टेशन सेम है और डेस्टिनेशंस अलग अलग है तो आपको इस ड्रॉपडाउन में फ्रॉम स्टेशन सेलेक्ट करना है और इसके सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में वो स्टेशन मेंशन करना है जहाँ से व्हीकल लोड होंगे। और अगर डेस्टिनेशन सेम है पर लोडिंग स्टेशंस अलग अलग है तो आपको इस ड्रॉपडाउन में टू स्टेशन सेलेक्ट करना है और इसके सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में वो स्टेशन मेंशन करना है जहां पर व्हीकल्स अनलोड होंगे। ये ऑप्शन मैंडेटरी है, मतलब कि आपको फ्रॉम स्टेशन या टू स्टेशन मेंशन करना जरूरी है और उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इस रेट लिस्ट के लिए मैं गांधीधाम से लोड होने वाली ट्रिप्स के लिए रेट लिस्ट बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं गांधीधाम मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन प्रोडक्ट का है जो ऑप्शनल है। अगर आप सेम लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशंस पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और उन सब के रेट्स अलग अलग हैं, तो आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर सकते हो जिसके लिए आप ये रेट लिस्ट बना रहे हो। अगर ज़रूरत नहीं है तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मैं सीमेंट के लिए रेट लिस्ट बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सीमेंट मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन व्हीकल ग्रुप का है जो ऑप्शनल है। अगर सेम लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन पर अलग अलग व्हीकल ग्रुप्स के लिए अलग अलग रेट है, तो आप यहाँ पर उस व्हीकल ग्रुप को मेंशन कर सकते हो जिसके लिए आप ये रेट लिस्ट बना रहे हो। ज़रूरत नहीं है तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इस रेट लिस्ट के लिए मुझे व्हीकल ग्रुप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इफेक्टिव डेट का है, जिसमें आपको वो डेट मेंशन करनी है जिस डेट से ये रेट लिस्ट अप्लीकेबल है। इफेक्टिव डेट मेंशन करना कंपलसरी है, क्योंकि रेट सर्च करते वक्त सॉफ्टवेयर लोडिंग डेट को इस डेट से कंपेयर करेगा, और किसी ट्रिप के लिए अगर मल्टीपल रेट्स मिलते हैं तो उस ट्रिप के लिए लेटेस्ट रेट इसी डेट से कंपेयर करके सर्च करेगा। इस टेबल में अगर आपने ड्रॉपडाउन में फ्रॉम स्टेशन सिलेक्ट किया है तो आपको हर वो डेस्टिनेशन को मेंशन करना है जिसके लिए आप रेट लिस्ट बनाना चाहते हो, और अगर ड्रॉपडाउन में टू स्टेशन सिलेक्ट किया है तो हर वो लोडिंग स्टेशन जिसके लिए आप रेट लिस्ट बनाना चाहते हो उसे मेंशन करना है। आप चाहो तो रेट लिस्ट एक्सेल शीट से इंपोर्ट भी कर सकते हो। इस रेट लिस्ट को बनाने के लिए मैं किसी एक्सेल शीट को इंपोर्ट नहीं करूंगी, पर इंपोर्ट कैसे करते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।
एक्सेल शीट से रेट्स इंपोर्ट करने के लिए आपको इस इंपोर्ट बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपको उस एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करना है जिससे कि आप रेट लिस्ट इंपोर्ट करना चाहते हों, और फिर ओपन बटन पर क्लिक करना है जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। याद रहे कि जिस शीट से आप रेट लिस्ट इंपोर्ट करना चाहते हो उसमें पहली रो पर आपको कॉलम के नाम देना जरूरी है। इस स्क्रीन में आपको इस ड्रॉप डाउन से वो शीट सिलेक्ट करनी है जिससे कि आप रेट लिस्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, और फिर बिल रेट की स्क्रीन में दिए गए कॉलम्स के को एक्सेल शीट के कॉलम से मैप करना है, जिससे कि सॉफ्टवेयर को पता चले कि आप कौन से सेल्स को किस कॉलम में इंपोर्ट करना चाहते हो। अगर बिल रेट की किसी कॉलम के लिए एक्सेल शीट में कोई कॉलम अवेलेबल नहीं है तो उसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। सब सेट हो जाने के बाद आपको इस ओके बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो सारे रोज जो एक्सेल शीट में अवेलेबल है उसे आपने सिलेक्ट किए हुए कॉलम्स में पॉपुलेट कर देगा। है ना बिल्कुल आसान। बिल रेट में अवेलेबल बिलिंग यूनिट और डिफॉल्ट बिल क्वांटिटी को आप एक्सेल से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, पर उसे आप रिकंसाइल कर सकते हो, जैसे कि इस रिकंसाइल बटन पर क्लिक करने पर सॉफ्टवेयर ये स्क्रीन एक्टिवेट करता है, जिसमें हर एक डेस्टिनेशन या लोडिंग स्टेशन के लिए एप्लीकेबल बिलिंग यूनिट्स और डिफॉल्ट बिल क्वांटिटी आप एक ही क्लिक पर मेंशन कर सकते हो। रेट लिस्ट के लिए इस टेबल में आपको मल्टीपल कॉलम्स दिए गए हैं, जिसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉलम टू स्टेशन का है, क्योंकि मैंने ड्रॉपडाउन में फ्रॉम स्टेशन मेंशन किया है। अगर आप ड्रॉपडाउन में टू स्टेशन मेंशन करोगे तो इस कॉलम का नाम फ्रॉम स्टेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन या लोडिंग स्टेशन का नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट कॉलम डिस्टेंस का है, जिसमें अगर बिलिंग यूनिट KL या KM है तो आपको लोडिंग स्टेशन से अनलोडिंग स्टेशन का डिस्टेंस मेंशन करना कंपलसरी है, वरना आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट कॉलम रेट एस और यूनिट एस का है, जिसे हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि 99% केस में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट कॉलम रेट एफ का है, जिसमें आपको रिसीवेबल रेट मेंशन करना है, मतलब कि जिस रेट से आप पार्टी को बिल करोगे वो रेट मेंशन करना है। नेक्स्ट कॉलम यूनिट एफ का है, जिसमें आपको बिलिंग यूनिट मेंशन करना है। इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में हम लोडिंग डिटेल्स के ट्यूटोरियल में बात कर चुके हैं, तो मैं उसे रिपीट नहीं कर रही। नेक्स्ट कॉलम डिफॉल्ट बिलिंग क्वांटिटी का है, जिसमें आप बिल लोडिंग क्वांटिटी से बनाओगे या अनलोडिंग क्वांटिटी से वो मेंशन करना है। अगर आप बिलिंग यूनिट में KL या MT सेलेक्ट करते हो तो बिल क्वांटिटी मेंशन करना कंपलसरी है। नेक्स्ट कॉलम रेट T का है, जिसमें आपको पेएबल रेट मेंशन करना है, मतलब कि जिस रेट से आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करोगे वो रेट मेंशन करना है। नेक्स्ट कॉलम यूनिट T का है, जिसमें आपको पेएबल फ्रेट के लिए यूनिट मेंशन करना है। इस टेबल में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मल्टीपल रोज ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं गांधीधाम से मांडवी और सूरत के लिए 2 रोज ऐड कर रही हूँ। सारे ऑप्शन सेट हो जाने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, जिससे सॉफ्टवेयर इस रेट लिस्ट को सेव कर लेगा। इस स्क्रीन से जुड़ी एक टिप मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सपोज जो रेट लिस्ट हमने अभी अभी सेव किया है उसके लिए कुछ दिन या महीनों बाद पार्टी रेट रिवाइज करती है, तो आपको यही प्रोसेस फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ओपन बटन पर क्लिक करें और जिस रेट लिस्ट के लिए रेट रिवाइज हुआ है उसे सिलेक्ट करें, फिर ओपन बटन के बाजू में दिए गए ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके ओपन एस कॉपी सिलेक्ट करें, जिससे कि उस रेट लिस्ट की कॉपी ओपन हो जाएगी। उसके बाद इफेक्टिव डेट और रेट चेंज करके सेव बटन पर क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर एक नया रेट लिस्ट बना देगा। है ना एकदम टाइम सेविंग टिप। ओके, ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर रेट लिस्ट से रेट कैसे सर्च करता है, और
अगर एक ही ट्रिप के लिए मल्टीपल रेट्स अवेलेबल हैं, तो किस रेट को प्रायोरिटी देगा, तो अब उसे समझ लेते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात है कि फ्रेटमैन रेट लिस्ट से रेट तभी फेच करेगा जब उस ट्रिप के लिए की गई लोडिंग डिटेल्स में आपने बिल रेट मेंशन नहीं किया है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि किसी भी ट्रिप के लिए रेट लिस्ट से रेट तभी फेच होगा जब उस ट्रिप की लोडिंग डिटेल्स में मेंशन किया गया फ्रॉम स्टेशन बिल रेट की स्क्रीन में मेंशन किए गए फ्रॉम स्टेशन से, लोडिंग डिटेल्स की स्क्रीन में मेंशन किया गया टू स्टेशन बिल रेट की स्क्रीन के टू स्टेशन से, और लोडिंग डिटेल्स की स्क्रीन में मेंशन किया गया बिलिंग यूनिट बिल रेट में मेंशन किए गए बिलिंग यूनिट से मैच होता है। साथ ही उस ट्रिप के लिए मेंशन किए गए लोडिंग डेट बिल रेट में मेंशन की गई इफेक्टिव डेट जितना या उससे बड़ी होनी चाहिए। ये सारे ऑप्शंस जब तक मैच नहीं होते तब तक सॉफ्टवेयर रेट लिस्ट से रेट फेच नहीं करेगा, तो इन ऑप्शंस का मैच होना कंपलसरी है। इसलिए अब जो ऑप्शंस मैच होना कंपलसरी नहीं है, हम उससे ये पता लगाते हैं कि अगर किसी ट्रिप के लिए मल्टीपल रेट लिस्ट अवेलेबल है तो सॉफ्टवेयर किस रेट को प्रायोरिटी देगा। रेट्स फेच करने के लिए जिन ऑप्शंस का मैच होना कंपलसरी नहीं है वो है बिल रेट की स्क्रीन में मेंशन किए गए पार्टी नेम का, उस ट्रिप का बिल बनाते वक्त इनवॉइस की स्क्रीन में मेंशन किए गए बिलिंग पार्टी से मैच होना, बिल रेट की स्क्रीन में मेंशन किए गए प्रोडक्ट का लोडिंग डिटेल्स की स्क्रीन में मेंशन किए गए प्रोडक्ट से मैच होना, और बिल रेट की स्क्रीन में मेंशन किए गए व्हीकल ग्रुप का लोडिंग डिटेल्स में मेंशन किए गए व्हीकल नंबर के व्हीकल ग्रुप से मैच होना। नॉन मैंडेटरी ऑप्शन से सॉफ्टवेयर रेट लिस्ट में मेंशन किए रेट की प्रायोरिटी कैसे तय करता है, उसके लिए हमने ये छोटा सा इन्फोग्राफिक बनाया है जिससे आप इसे इजीली समझ पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर सबसे पहली प्रायोरिटी उस रेट लिस्ट को देता है जिसमें ये तीनों ऑप्शंस बिल रेट और ट्रिप डिटेल्स में मैच हो रहे हो। अगर ऐसा रेट लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट प्रायोरिटी उस रेट लिस्ट को देता है जिसमें पार्टी और व्हीकल ग्रुप्स मैच हो रहे हो और प्रोडक्ट ब्लैंक रखा गया है। अगर ऐसा रेट लिस्ट भी अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट प्रायोरिटी उस रेट लिस्ट को देगा जिसमें प्रोडक्ट और व्हीकल ग्रुप मैच हो रहे हों और पार्टी ब्लैंक रखी गई है। अगर ऐसा रेट लिस्ट भी अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट प्रायोरिटी उस रेट लिस्ट को मिलेगी जिसमें पार्टी और प्रोडक्ट मैच हो रहा हो और व्हीकल ग्रुप ब्लैंक छोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रायोरिटी जिसमें पार्टी मैच हो रही है और प्रोडक्ट और व्हीकल ग्रुप ब्लैंक छोड़े गए हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी उस रेट लिस्ट को मिलेगी जिसमें पार्टी और व्हीकल ग्रुप ब्लैंक छोड़े गए हो और प्रोडक्ट मैच हो रहा हो। नेक्स्ट पार्टी और प्रोडक्ट ब्लैंक रखे गए हो और व्हीकल ग्रुप मैच हो रहा हो। लास्ट प्रायोरिटी उस रेट लिस्ट को मिलेगी जिसमें पार्टी प्रोडक्ट और व्हीकल ग्रुप तीनों ही ब्लैंक छोड़े गए हो। एक और बात, अगर किसी रेट लिस्ट के लिए सेम ऑप्शंस मिलते हैं तो सॉफ्टवेयर जिसकी इफेक्टिव डेट लेटेस्ट होगी उसे प्रायोरिटाइज करेगा। आई होप दैट यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा? इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, सजेशन या फीडबैक आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू।